चलिए बच्चों ठीक है ना अब ये आवाज ठीक है गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते बच्चा नमस्ते जूम कर दीजिए तो जल्दी से हम लोग क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं और ये क्लास आप लोगों के अब नौ बजे से रहेगी विद्यार्थियों ठीक है अगले सात आठ दिन तो चलेगा आज के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जनरल अवेयरनेस का क्या सवाल रहेगा और कल की थोड़ा मैं प्रोग्राम प्लानिंग बता देता हूं आपको आगे से याद रखेगा इसमें जनरल अवेयरनेस में हम लोग अभी थोड़ा अगले कुछ दिन टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ेंगे फिर आपका कुछ सेट भी बना तो से, तो कल, कल बजे तक छोड़ दूंगा परसों देखेगा लंबी क्लास रखेंगे ठीक है मंगलवार से आज कितनी है आज ट्वेंटी थ्री कल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव से लंबी क्लास रखेंगे ठीक है तो जनरल अवेयरनेस का आपका टॉपिक वाइज रहेगा ठीक है इसके बाद टॉपिक वाइज रहेगा आज मिक्स सवाल है ठीक आज मिक्स सवाल है तो सब लोग क्लास में उपस्थित रहेगा रेगुलर पहला सवाल आपके पास दिया गया क्रिकेट द्रोण नामक एक क्या है आपके क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किस कोच के जीवन पर आधारित है बुक टाइटल क्रिकेट द्रोणा इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ विच कोच आपसे पूछा गया किस कोच के जीवन पर आधारित है ऐसा पूछ रहा आपसे तो आंसर क्या हैप्पी छोटी दिवाली सर बिल्कुल आप सब लोगों को भी छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि जिस तरह से हमारे त्यौहार होते हैं विद्यार्थियों ठीक है ना अपने कलरफुल होते हैं ना तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी और आपके जीवन में विद्यार्थियों जीवन क्या रहे हमेशा से कलरफुल रहे ठीक है कल जब हम लोग लाइटों को देख रहे थे रात्रि में आपने देखा होगा ना तो सारा शहर सारा विद्यार्थी मोहल्ला जगमगाया था है ना इसी समय पे इसी तरह से होलियों में भी होली में भी होता है ठीक है जो हमारे अलग अलग त्योहार है उसमें तो काफी कलरफुल है तो आपका जीवन भी इसी तरह से रंगीन रहे कलरफुल रहे ठीक है चलेगा तो ये किसकी अभी तिहत्ती तो वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे इनकी ही, आ, क्या है ऑटोबायोग्राफी अगला क्वेश्चन

अब वैसे अगर चाइना की करेंसी पूछेगा तो क्या है आपसे पूछेगा इसकी कैपिटल क्या है यहां पर नेशनल गेम को क्या कहते इनके नेशनल गेम कौन सा है इनकी पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं तो आप जानते हैं इसकी करेंसी क्या है विद्यार्थियों युवान युआन इसकी करेंसी हो गई अगर हम लोग बात करेंगे बीजिंग इसका कैपिटल हो गया और अगर नेशनल गेम की बात करेंगे तो टेबल टेनिस इसका नेशनल गेम हो गया पार्लियामेंट का नाम क्या है विद्यार्थी आपका नेशनल पीपल्स असेंबली या कांग्रेस के नाम से जानी जाती है ठीक है ना इसके पार्लियामेंट को इस नाम से जाना जाता है चलेगा सवाल आपके सामने हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते है। दो अलग-अलग एक आपका नेशनल आएगा इसमें नेशनल लिखा हुआ है तो अगर हमें नेशनल हिंदी के रूप में पूछता नेशनल विद्यार्थियों हिंदी डे के रूप में पूछता हिंदी दिवस के रूप में पूछेगा तो हिंदी दिवस कब आएगा आपका चौदह सितंबर को आएगा क्योंकि 1949 में इसी दिन क्या हुआ था? 1949 में इसी दिन जो हमारी हिंदी भाषा है उसको शामिल किया गया था किसमें एट शेड्यूल के अंदर आठवीं अनुसूची के अंदर जिसमें 22 भाषाएं हैं या जो हमारे सत्रह पार्ट नंबर सत्रह है भाग जो सत्रह है उसमें शामिल किया गया इसे ठीक है ना चलेगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा अगला सवाल देखिएगा नेशन द विद्यार्थियों कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग जानते हैं जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो गल्फ ऑफ आदन क्षेत्र से लेकर यह हिंद महासागर क्षेत्र से जुड़ा हुआ इसमें टोटल 120 आपके सदस्य देश है ठीक है ना जो

आचार संहिता या जैदा संशोधन में शामिल हो गया है कौन भारत इंडिया आएगा इसमें ऑप्शन डी ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट सवाल देखिए ओजोन परत संरक्षण या अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ओजोन लेयर ओजोन लेयर को डॉपन में मेजर किया जाता है ओजोन लेयर को किसमें डॉपन में मेजर किया जाता है और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो अल्ट्रा वायलेंट रेस को क्या करता है विद्यार्थी ऑब्जर्व करता है ठीक है तो ओजोन लेयर जो जिसको सबसे ज्यादा नुकसान है किससे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो याद रखिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन लेयर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है तो देखिए याद रखिएगा जैद कौन सा वाला बच्चा ज़िबूती कोड ऑफ कंडक्ट ज़िबूती कोड ऑफ कंडक्ट समझ में नहीं आया था ये वाला सवाल कह रहे आप जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट बच्चे यही पूछ रहे हैं ना देखिए मैं आपको बता दूं ध्यान रखेगा जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब या जैदा संशोधन क्यों कहते हैं जैदा संशोधन क्यों कहते हैं अब देखिए ये क्या आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है देख रहे हो आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख रहे ना जिबूती कहां पर आपका इस जगह पर इस जगह पर आपको जिबूती जो दिखेगा एक कंट्री है यहां पर इस लोकेशन पर आपको दिख जाएगा और ज्यादा मतलब इस तरफ आपको क्या दिखता है दिखता है यहां पर जो गल्फ कंट्री है तो इन गल्फ कंट्रियों में आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है ठीक है अब इस क्षेत्र में मैंने क्या कहा कि यह एरिया विश्व व्यापार के लिए लाइफलाइन है वर्ल्ड ट्रेड की क्या है आपका ये लाइफ लाइन है ठीक है अब यहां ध्यान दीजिएगा यहां जिब्राल्टर स्टेट भी है यहां सी भी है और यहां पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहां पर आपको विद्यार्थियों क्या दिखता है वह मंदप मंडप दिखता है जिसे आंसुओं का द्वार क्यों कहते हैं यह भी मैंने आपको समझा रखा है यह भी कह रखा कि यहां पर काफी ज्यादा क्या है भुखमरी भी है समझो इन क्षेत्रों में कहा पर जहां जिबूती सोमालिया, इरिटिया, इथोपिया तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल कितने देश हैं? हैं 120 देश हैं। यहां पर समुद्री लुटेरे याद है आपको इस क्षेत्र में तो भारत इसका पर्यवेक्षक बन गया अब हमें यहां से व्यापार के लिए देखेगा यहां से निकलेंगे हम लोग कहां से तो गल्फ ऑफ अदन से होते हुए रेड सी से होते हुए तो ऐसे तो जा नहीं सकते आप उस क्षेत्र में आप जा नहीं सकते क्यों नहीं जा सकते क्योंकि मैंने क्या कहा आपको समुद्री लुटेरे ठीक है ना तो यानी कि एक 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 पूरा पूरा का ऑर्गेनाइजेशन बन गया आपका समझो एक एक संगठन बन गया विद्यार्थी आपका समुद्री लुटेरे हाँ बिल्कुल इस क्षेत्र में ठीक है तो जो 120 अब हमें इस क्षेत्र में प्रोटेक्शन के लिए देखेगा सेना है सिक्योरिटी है यहां पर कैसे क्योंकि यहां पर सभी देशों के आ, से ये पूरा जो क्षेत्र है इसकी सिक्योरिटी इसकी सुरक्षा रहेगी ठीक है इस क्षेत्र में इसीलिए आपका जो 120 इसमें 120 सौ बीस देशों का आपका यानी कि ऊपर और नीचे क्या कोड ऑफ कंडक्ट इन दोनों में शामिल है आपका आगे समझ में चलेगा नेक्स्ट बनेंगे अगला अगला सवाल अगला सवाल देखिए विद्यार्थी आपका अगला सवाल क्या दिया गया आई बी एस ए इसके फुल फॉर्म से पता चलता है कहा चला गया यानी कि इंडिया आई इंडिया बी ब्राजील और ऐसे क्या आपका साउथ अफ्रीका इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका तो इसका सदस्य नहीं है तो कौन नहीं है श्रीलंका नहीं है श्रीलंका विद्यार्थी इसका सदस्य नहीं है यह भी याद रखेगा ठीक है ना नेक्स्ट बनेंगे अगला सवाल अगला सवाल यहां पूछा गया आपके सामने कि जो भारत की नई पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग बन रही हमारी जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है ना इस संसद भवन को कौन बना रहा है ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्तमान समय पर जो बना रहा है कौन बना रहे जल्दी से आंसर दीजिएगा अरे बहुत कम बच्चे क्लास में उपस्थित ऐसा क्यों अपने दोस्तों को बुलाएगा शेयर कीजिएगा कई लोग सोए हुए हैं सोए हुए हैं अभी भी जस्ट वन मिनट है चलिए बच्चे शेयर कर दिया आप लोगों ने चलिए तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका टाटा ग्रुप बहुत बढ़िया टाटा ग्रुप कर रहे ठीक है ना और किसके द्वारा बन रहे तो ये बन रहा है आपका प्रोडक्ट प्रोजेक्ट विस्टा के तहत जा रहे हैं प्रोजेक्ट क्या आपका प्रोजेक्ट विस्टा के तहत बनाया जा रहे हैं प्रोजेक्ट विस्टा नेक्स्ट चलेंगे अगला सवाल देखिए सेंटियागो सेंटियागो किस देश की राजधानी है तो सेंटियागो के लिए हमें एक कॉन्टिनेंट में जाना होगा और ये कॉन्टिनेंट हमें कौन सा कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग तो ये हमारा विद्यार्थियों कौन सा आएगा साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में आप लोग यहां पर अगर बात करें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना की क्या है चिली की क्या है विद्यार्थियों सेंटियागो चिली की कैपिटल क्या है चिली विश्व में सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस करता है विश्व में सबसे ज्यादा क्रॉपर प्रोजूट करता है कौन करता है यानी विश्व में सबसे ज्यादा कौन करता है तो यह करता है बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपका चिली ठीक है ना चिली अब यहां पर देखिएगा वर्ल्ड की सबसे लंबी रेंज है देखिए यहां पर पहली ध्यान दीजिएगा यहां पर वर्ल्ड की सबसे लंबी रेंज है एंड पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी रेंज भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है और जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है माउंट अकांका गुआ अकांका गुआ भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल जाता है माउंट अकांका गुआ ठीक है ना चलेगा नेक्स्ट सवाल देखिए आपका अगला सवाल है आपका इनमें से किसे तोता ए हिंद के नाम से तोती हिंद कहते हैं ना तो देखिएगा कि रूप में जाना जाता था द फॉलोइंग नॉन एज़ तोते हिंद की बात की गई के रूप में जाना जाता था आमिर खुसरोन इबन बेतुदा विद्यार्थियों और ज़ियाउद्दीन बर्नी की बात की गई किसे जाना जाता था ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है ठीक है किसे तो यहां पर याद रखेगा किसे बहुत बढ़िया अमीर खुसरो अमीर खुसरो चलेगा अमीर खुसरो को जाना जाता था, था ठीक है नेक्स्ट सवाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आप लोगों ने पीडीएस में तो नाम सुना होगा इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत में किस वर्ष पास हुआ ऐसा सवाल पूछा गया चले तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका इसका आंसर बनेगा 2003 में 2003 में दो सॉरी 2013 में 2013 में ठीक है ना तबला की खोज भी करी थी बिल्कुल बियर एंड बुल जो शब्दों का प्रयोग होता है तो ये किस में होता है शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से जो वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित है तो किस क्षेत्र में होता है यानी कि हम बियर एंड बुल की बात की गई यूज दाइब विद्यार्थी जनरली एक्शन एंड द किसमें आपका तो ये कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात की गई तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका बैंकिंग से ई कॉमर्स से इंटरनेशनल ट्रेड से या स्टॉक मार्केट से सर शब्दों का प्रयोग किसमें स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट से ठीक है और भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है सेबी के पास है बाकी सेबी की कहानी आप तो हमेशा देखते हो सर हमें कोई भी क्लास शेयर नहीं करते प्रभु तो आप भी उसी देखेगा कोई शेयर नहीं करेगा <laughs> कोई शेयर नहीं करेगा अच्छा जबरदस्ती किसी एक को इंडिकेट कर रहे तब तो बात अलग है समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं लेकिन सच्चाई मैं आपको बता दूं कल के दिन नौकरी लगेगी तो आपने किसी को देना नहीं मतलब स्पेशली मैं किसी एक को इंडिकेट करके नहीं कह रहा हूं सभी की बात कर रहा हूं तो जिसको इस समय पर सिलेक्शन की अगर भूख है तो उसे क्लास में स्वयं आना पड़ेगा भूल जाएगा कोई दूसरा क्लास शेयर करने वाला ठीक है हाँ अगर किसी एक की तरफ आप इशारा कर रहे हो तब तो बात अलग है आ, कह सकते हो ये तो आपका अपना प्यार है ठीक है ना चलेगा नहीं आप किसी से उम्मीद करते हो कि आपको अगर शेयर कर देगा तो वो भूल जाएगा चलिए सिंथेटिक रसायन ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार है हाँ बिल्कुल क्लोरो है ना सी बनाया तो मैंने आपको सीएफसी क्लोरोफ्लोरोबन विद्यार्थियों जिम्मेदार है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर यहां पर क्या दिया डिफ्लेक्शन ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन के लिए चलेगा ठीक है ना बड़े तेज ठीक है चलिए किस वंश ने प्राचीन भारत में गांधार स्कूल आर्ट स्कूल विद्यार्थी ऑफ आर्ट को विकसित किया था

जिसके द्वारा देखिएगा सख संवत की शुरुआत भी की गई थी ठीक है ना सख संवत के विद्यार्थी शुरुआत भी की गई थी चलिए नेक्स्ट सवाल बेबीलोन विद्यार्थियों के हैंगिंग गार्डन निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृतियों में से किससे संबंधित है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन तो देखिए ये प्राचीन संस्कृतियों में से किससे संबंधित आपका इजिप्ट से मेसोपोटामिया या चीन या विद्यार्थियों हड़प्पा ठीक है तो वर्तमान आप लोग ईरान क्षेत्र की बात करेंगे मैसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग जानते हो कि मैसोपोटामिया की सभ्यता जो कि किस आ, समांतर मानी जाती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या थे व्यापारिक संबंध थे क्योंकि यहां से क्या मिली है सील प्राप्त हुई है मुहरें प्राप्त हुई है ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखेगा भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे विधानसभा नहीं आएगा संविधान सभा का आएगा है, संविधान सभा का यहाँ पर संविधान सभा आएगा तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो यह नियुक्त किया गया था आपका किसे वी एन राव वैनेगल नरसिंह राव क्या थे नियुक्त किया गया था वैनेगल नरसिंह राव नरसिंह राव आएगा ठीक क्या नाम आएगा वहनेगल नरसिंह राव ठीक है वी राव राव नरसिंह अरे आप लोग जानते हो ना संविधान सभा का गठन कैसे हुआ तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी देखिए सबसे पहले क्या है आपका? आया आपका कैबिनेट मिशन आया सबसे पहले कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन आया विद्यार्थी आपका 1946 में अब इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा क्योंकि इसमें जो तीन लोग शामिल थे वो सभी के सभी के उस समय ब्रिटिश जो सरकार थी उसमें मंत्री थे इस, इस वजह से इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया था ठीक है ना इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया था कैबिनेट मिशन रखा गया था चलेगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज द नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर विच नॉर्थ ईस्टर्न देखिएगा इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य जो कि सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है इनमें से कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर भारत में जो कि सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है ठीक है नॉर्थ ईस्ट तो कौन सा आएगा आपका सिक्किम जल्दी आंसर दीजिएगा तो इसको जानने के लिए मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में हमारे कितने राज्य हैं आठ राज्य कितने राज्य हैं आठ राज्य उन आठ राज्यों में से जो सिक्किम है ना वो सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है सर पैथ्रिक लॉरेंसेस और स्टॉपर क्रिप्स और अलेक्जेंडर ए बी एलेक्सेंडर कैबिनेट मिशन में तीन मेंबर थे पैथ्रिक लॉरेंसेस के हेड थे बिल्कुल सही कहा आपने ए ए को क्लिक कर दिया जाए बहुत बढ़िया एक को लॉक कर दिया जाए अरुंधति रॉय देखेगा जिन्हें इनमें से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें विश्व भर का सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड मिला और वो अवार्ड कौन सा मिला आपका मान बुकर प्राइज मान बुकर प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया और इनकी कौन सी बुक के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ठीक है चलेगा स्वामी विवेकानंद का नाम पूछा गया आपका स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताएगा स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बता दिएगा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए तो स्वामी विवेकानंद जी के विद्यार्थी जो गुरु का नाम है तो क्या है रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण विद्यार्थियों परमानंद परमहंस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रामकृष्ण परमहंस स्वामी देख ठीक है ना स्वामी विवेकानंद का जो असल नाम था वो क्या था नरेंद्र दत्त नरेंद्र दत्त ठीक है इनका असल नाम क्या था नरेंद्र दत्त ही इनका असल नाम था चल नेक्स्ट सवाल स्टेट ग्रुप विच इज द बॉर्डर बाय मणिपुर अच्छा राज्य समूह जिसका मणिपुर के साथ सीमाएं लगी हुई है जल्दी को क्वेश्चन को पढ़ेगा इनमें से कौन से राज्य का समूह है जो मणिपुर सर बैलूर मठ बैलूर मठ अठारह में स्थापित हाँ बेलूर मठ गुड मॉर्निंग नूतन बच्चा गुड मॉर्निंग सवाल देखिए आपका राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है इनमें से सही कौन सा आएगा अगर हम लोग मणिपुर की बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर तो आप जानते हो कि मणिपुर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा मैप के आधार पर ठीक है ना मणिपुर अब यहां से देखिएगा मणिपुर की जो सीमा है ना वो किस किस से लगी है इधर साइड जाओगे तो नागालैंड आएगा यहां जाओगे तो आपको असम दिखेगा इधर नीचे की तरफ वो मणिपुर ना मिजोरम तो मिजोरम असम नागालैंड और इधर क्या है? म्यांमार है तो वैसे देखे तो इसमें समूह में जो अगर देखने को मिलेगा मेघालय से तो नहीं लगता है मेघालय से ऑप्शन ए और बी तो नहीं होंगे ऑप्शन ए और बी तो नहीं है ऑप्शन सी हमें लगता है बिल्कुल सही है क्योंकि जहां जहां मेघालय दिख रहा है वहां नहीं है क्योंकि इसकी सीमा मेघालय के साथ नहीं लगती है ठीक ना? है ना नागमणि नागमणि किसने याद रखा है नागमणि नागालैंड मणिपुर और उसके बाद असम गाय तो चलेगा अगला सवाल यूए की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा पूछ रहा आपसे जो अभी आपके एशियन गुड मॉर्निंग कौशल बच्चा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सवाल पूछा गया आपसे क्या पूछ रहा है कि यूए की मुद्रा क्या है यूए की क्या है दिरहम जो टी ट्वेंटी आपका एशिया कप हुआ था यूए के अंदर ही हुआ था अगला सवाल हमारे पास दिया गया अहा पर पूछा व्हाइट कलर ऑफ द मिल्क ड्यू टू दूध में उपलब्ध होता है जिस कारण से उसका कलर कैसा होगा सफेद होगा ऐसा तो नहीं पूछा गया आपको काली गाय का दूध कैसा होगा काला चलेगा तो देखिएगा उसमें क्या रहता है विद्यार्थियों केसीन प्रोटीन की वजह से किस कारण से केसीन प्रोटीन की वजह से केसीन प्रोटीन की वजह से ठीक है नेक्स्ट सवाल किस पार्टी की सरकार ने 1978 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जिसे मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं पहला जो था विद्यार्थियों वो काका कालेकर की अध्यक्षता में बना था प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था आपका वो 1953-54 में बना था किसकी अध्यक्षता में तो काका कालेकर जी की अध्यक्षता में बना था समझो काका कालेकर जी के अध्यक्षता में बना था और आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा जो जो आपका दूसरा जो बार बना वो 1978-79 में तो उस समय पर किसकी सरकार थी तो उस समय पर जनता पार्टी की सरकार थी जनता पार्टी की सरकार के समय बना था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है यानी किसी के साथ या अनटचेबिलिटी की बात की गई ठीक है ना यहाँ पर पूछा गया आपका विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द विद्यार्थियों इंडियन सिटीजन ऑफ यहाँ पर किसमें दिया गया अनटचेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग ना भेदभाव से संबंधित है अच्छा अनटचेबिलिटी की बात नहीं कर रहे नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है तो अनटचिलिटी तो आपका यहाँ पर आएगा आर्टिकल सत्रह में है लेकिन ये आपका भेदभाव कर रहे हैं ना भेदभाव का मतलब जाति के आधार पर धर्म के आधार पर समझो तो आर्टिकल पंद्रह आएगा इसका आंसर आर्टिकल पंद्रह राइट टू इक्वालिटी में राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो दिया गया आपका राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल पंद्रह छुआछूत तो सत्रह में लेकिन हमने सवाल कुछ और ही पढ़ लिया ठीक है ये सवाल जो दिया गया आपका कुछ और फॉलोइंग से कौन सी खदानों में विस्फोटक के लिए जिम्मेदार है कौन सी gas में, क्या पूछा गया आपका विस्फोटक का कारण बनती है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉज विद्यार्थियों एक्सप्लूजन इन कोल निम्नलिखित में से कौन सी तो कौन सा आएगा आपका बिल्कुल सही मिथेन गैस कोल खदान ठीक है ना मिथेन नेक्स्ट सवाल हमारा जो है सवाल हमारे पास जो आया वो कौन सा आया आपका अबोहर वन्य जीव अब, अब बने भारत के कौन से राज्य में गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु या पंजाब में अबोहर चलेगा तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका पंजाब पंजाब ठीक है पंजाब जब जाओगे आप लोग तो फुलकारी जरूर याद रखेगा फुलकारी फुलकारी ट्रेडिशनल आर्ट है फुलकारी ट्रेडिशनल आर्ट है नेक्स्ट सवाल सवाल पूछा गया आपको डंकन पास किस किसके बीच में है डंकन पास अभी इससे पहले हम आपको एट डिग्री चैनल बताए थे नाइन डिग्री चैनल बताए थे और टेन डिग्री चैनल बताए थे आज डंकन पास आ गया आपके सामने एट डिग्री चैनल यानी कि एम एम मालद्वीप मिनीकॉय और एन देखेगा नाइन डिग्री चैनल एल एम यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में ठीक है यहां सवाल हमारे पास है डंकन पास तो जो किसके बीच में विद्यार्थियों तो डंकन पास हमें जो देखने को मिलेगा साउथ अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य यानी कि यहां पर दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है देखिए, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है आपकी नीली क्रांति किससे दे मछली पालन से ब्लू रिवॉल्यूशन किससे आपका मछली पालन से संबंधित है तो सवाल पूछा गया आपका तो आंसर क्या बनेगा तो यहां पर हीरा लाल चौधरी ठीक है ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति है बाबू ये नीली क्रांति नीली क्रांति जिसे कहते हैं आप लोग नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे जो आपका नीली क्रांति ठीक है ना ब्लू रिवॉल्यूशन चलेगा नेक्स्ट सवाल यहां पर पूछा गया ऑलमोस्ट विद्यार्थियों फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन ह्यूमन किडनी ठीक है, है? मानव देखेगा जो गुर्दा है ना मानव गुर्दा में पथरी बनी होती है यानी कि जो कि जो पथरी होती है विद्यार्थियों बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्सियम ऑक्सीट देखेगा तो यहां पर क्या आएगा कैल्शियम ऑक्सिलेट मानव पत्थरी स्टोन की बात कर रहे हैं Which of the following UN अच्छा यहाँ पर कौन सी इनमें से लिए लिए में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन का हिस्सा है इंटरनेशनल मोटरिंग फंड बिल्कुल है तो इनमें से कौन सा नहीं आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो कि आपका 8 मई को बना था कब अठारह में इसका मुख्यालय कहां पर है इसका मुख्यालय पूछेगा आपसे संस्थापक कौन थे ठीक है ना चलेगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमें जो दिया गया सवाल पूछा गया इनमें से कौन सा मंदिर जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था चलेगा सवाल पूछ रहा आपसे फॉलोइ देखिए यहां पर पूछा गया ना निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया था ठीक है तो कैलाश मंदिर यानी कि कैलाश मंदिर 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 जैसे जैन मंदिर का जैन मंदिर का का निर्माण निर्माण किसने किया था दिलवाड़ा जैन मंदिर तो जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना इसका निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था ऐसा सवाल भी पूछता आपसे तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो किया गया था आपका बिल्कुल सही का अपने चालुक्य या सोलंकी वंश या गुजर वंश के शासकों के द्वारा किया गया था पर हमारे के अंदर है, अगला सवाल देखिएगा कमेटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम जाएंगे तो कहां पर है आपका पार्ट फोर ए के अंदर ठीक है थीके? बात की जाएगी आपके आर्टिकल की तो आर्टिकल 51 ए के अंदर है ठीक है ना और बात की जाए विद्यार्थी आपके आ, किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था इसे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था और इसे भारतीय संविधान में बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्टी अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में शामिल किया गया था यह भी साथ में याद रखिएगा ठीक है ना चलेगा ठीक है हाँ का महत्वपूर्ण तो सवाल आपका तो इसमें से कौन सा आएगा आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में देखिएगा चार मठ है समझो तो इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो चार मठ है भारत में उन चारों मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो यह की गई थी विद्यार्थियों स्वामी शंकराचार्य के द्वारा ठीक है चार मठ कौन कौन से जैसे कि उत्तराखंड में ज्योतिर्म समझो गुजरात क्षेत्र में आपको द्वारिका धाम शारदा मठ देखने को मिलता है रामेश्वरम में आपको सिरंगी मठ देखने को मिलता है और जगन्नाथपुरी में विद्यार्थियों गोवर्धन मठ आपको देखने को मिलता है चार मठ ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में उसके बाद धाम, शारदा मठ फिर रामेश्वरम सीरंगी मठ जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ ठीक है ना ये सभी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है चलेगा नेक्स्ट सवाल अगला सवाल दिया गया बजट मैंने आपसे कहा ना कि बजट की बात करेंगे तो भारत में अठारह में बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा और देखिएगा बजट जो शब्द है इसका प्रयोग तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई यानी भारत सरकार के जो लेखा जोखा की बात की गई ठीक है तो कहां पर की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वन वन टू में दिया गया आर्टिकल वन वन टू में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो की वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा कहा गया आपका आर्टिकल तो याद रखेगा फिजिकल पॉलिसी सरकार की राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति एनुअल अच्छा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया ठीक है बिल्कुल यानी कि वार्षिक बजट की बात की गई ठीक है ना वार्षिक विद्यार्थियों वर्ल्ड कप 2022 में हो रहा है वर्ल्ड कप हो रहा है 2022 में कहां पर और आपका कतर के अंदर हो रहा है तो फीफा कब स्टैब्लिश हुआ था उन्नीस सौ तीन चार में हुआ इसके वर्तमान समय पर जो हेड हैं वो ज्ञानी इन्फेंटिनो वर्तमान समय पर इसके हेड हैं ठीक है यहां से सवाल बन रहा है हमारा कि फिर देखे सवाल क्या बन रहा है आपका तो इसका मुख्यालय कहां पर है जूरिक सिटी सर जूरिक नहीं आए तो हम आंसर क्या करेंगे स्विट्जरलैंड आंसर करेगा फिर फीफा का मुख्यालय ठीक है ना अच्छा बहुत बढ़िया चलेगा तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल अगला सवाल दिया गया हमारे पास भारत में ऐसी नदी बदाएगा जो जिसका उद्गम स्थल भी भारत में और देखिएगा जब वो नदी गिरती देखे ना मुहाना भी भारत में दोनों चीज देखिए भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में आप कहेंगे सर गंगा नदी नहीं गंगा नदी उद्गम तो भारत में होता है लेकिन वो बांग्लादेश होते हुए फिर जाके आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है लेकिन उसका मौ... जो मुहाना वाला क्षेत्र है विद्यार्थी वो भारत में नहीं है ठीक है अब यहां से देखेगा तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए सर गोदावरी गोदावरी नदी बिल्कुल जिन बिन बच्चों ने गोदावरी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया आपने ये रही हमारी गोदावरी नदी कौन सी नदी ये रही हमारी गोदावरी नदी ठीक है ये गोदावरी नदी कहां से निकल रही है इस पर भी ध्यान देना तो गोदावरी नदी निकलती है आपका त्रियंबकेश्वर त्रियम्बकेश्वर, त्रियम्बकेश्वर। त्रंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलेगी त्रंबकेश्वर विद्यार्थियों पहाड़ियों से निकलेगी और यह नदी कौन सी है गोदावरी नदी गोदावरी नदी ठीक है ना गोदावरी नदी आपको देखने को मिल जाएगी अब आपसे सवाल पूछा गया त्रंबकेश्वर जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर है आपकी तो त्रंबकेश्वर पहाड़ियां विद्यार्थियों नासिक क्षेत्र क्योंकि नासिक शहर इसी के किनारे तो बसा हुआ है नासिक में जो कुंभ मेला लगता है ना इसी नदी के किनारे तो लगता है नासिक में ठीक है तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी पुदुचेरी यानी कि यहां से आपको या नाम। या नाम से होते बंगाल में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है ठीक है तो कभी कभार सवाल पूछता भी है कि गोदावरी नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो आपने बताया सर महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश ठीक है एक सवाल बना था आपका कि वैन गंगा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है तो वैन गंगा पैन गंगा प्राण हिता बन के किसमें जाकर गिर रहे आपकी तो ये गोदावरी नदी में जाकर गिरती है ठीक है ना ये जाकर गोदावरी में गिरती है ये भी साथ में याद रखिएगा आए समझ में ठीक है जाकर किसमें गिरेगी आपके गोदावरी में जाकर गिर जाएगी चलेगा अगला सवाल अगला सवाल एक सवाल आता है गायब हो जाता है फिर दूसरा आता है दूसरा गायब हो जाता है सवाल पूछा गया कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश इंडिया देखिए भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जब देखेगा इससे पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सत्रह का युद्ध होता है होता है ना सत्रह का कौन सा प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है ठीक है ना और जो बंगाल क्षेत्र में अब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर की भूमिका में आती है फिर सत्रह का बक्सर का युद्ध होता है वो किंग मेकर से क्या बन जाते राजा बन जाते अब पॉलिटिकली और इकोनॉमी वो भारत के अंदर पहले तो क्या था सिर्फ व्यापार कर रहे थे अब वो क्या कर रहे हैं शासन भी करने लग गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए ही आ, बाद में क्या आता है आपके एक्ट बनकर आते हैं तो उसमें सबसे पहला कौन सा आता है रेगुलेटिंग एक्ट आता है और ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था आपका सत्रह में सत्रह में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट हमें देखने को मिलता है ठीक है ना चलेगा मुरारजी देसाई जो कि देखिएगा निशान ए पाकिस्तान अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था निशान ए पाकिस्तान मुरारजी देसाई के विद्यार्थियों भारत के प्रथम कोलकाता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और सर उसके हेड थे बिल्कुल सही कहा इन्हें कब दिया गया था 1990 में ठीक है ना 1990 में दिया गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कई बार पढ़ा हमने समझो भारत में देखिए ये पूछा भी जाता है कि भारत में पहली बार भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है तो वो दादा भाई नारोजी के द्वारा ही किया गया था तो सवाल देखेगा इसका आंसर क्या बनेगा आरसी चंद्रा दत्त के द्वारा लिखी गई पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल दादा भाई नारोजी मत करना है तो ये नेक्स्ट सवाल देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी कहां पर कैपिटल न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ये ऑस्मिया कॉन्टिनेंट के अंदर है चलिएगा ठीक है ना न्यूजीलैंड की देखेगा आपसे कैपिटल पूछा गया इनमें से अंकारा नहीं आएगा पेरिस नहीं आएगा वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल कहां पर है वेलिंगटन कई बार हम न्यूजीलैंड घूम चुके हैं न्यूजीलैंड को हम लोग कई बार घूम चुके हैं आज फिर घुमा देता आपको न्यूजीलैंड देखिए बिन पैसे के तो न्यूजीलैंड जाए, जाए लेंगे हम लोग ना है ना पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये दो अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है समझो यानी कि द्वीपों से मिलकर बना हुआ उनमें से एक द्वीप तो यह हो गया दूसरा आइलैंड यह हो गया विद्यार्थियों यानी कि दो आइलैंड से बना हुआ है ठीक है एक हो गया आपका नॉर्थ आइलैंड, ये कौन सा है नॉर्थ आइलैंड, और ये कौन सा आपका साउथ आइलैंड, ये साउथ आइलैंड हो गया आपका ठीक है इसके बीच में एक स्ट्रेट है आपकी जिसे क्या कहते हैं कुक स्ट्रेट कुक स्टेट किसे जोड़ती है इधर तस्मानिया है इधर तस्मानिया सागर है और इधर क्या आपका प्रशांत महासागर है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका कि जो कुक स्ट्रेट है ना ये किसे जोड़ती है तो ये जोड़ती तो आपकी इस साइड से क्या है आपका तस्मानिया सागर हो गया और इधर साइड से क्या हो गया आपका ध्यान देखिए प्रशांत महासागर ठीक है जब आप लोग न्यूजीलैंड जाओगे तो न्यूजीलैंड के अंदर आपको एक जनजाति दिखेगी जिसे क्या कहते हैं माओरी जनजाति माओरी जनजाति यानी कि एसटी दिखेगी यहां पर यदि आप लोग न्यूजीलैंड गए तो वहां पर ग्रासलैंड को किस नाम से जानते हैं कैंटवरी ग्रासलैंड को कैंटवरी के नाम से जानते कहां पर न्यूजीलैंड के अंदर जाओगे ना आप लोग सर जल्दी जल्दी बोलो है सर जल्दी में बोल दीजिएगा क्या बोलना है जल्दी में क्या बोलना बाबू जल्दी में रमन बच्चा जल्दी जल्दी भूख देखे जल्दी, जल्दी जल्दी बोलना तो हमें चाहिए था सुबह के पांच बजे से आप लोगों के लिए यहां पर बैठे और आप होगी घर पे आराम से पकौड़े खा रहे हो ठीक है ना पकौड़े तल रहे हो आज चलो अच्छी बात है कि दीपावली में पकौड़े तल रहे तो अच्छी बात है ना घर वालों के साथ बहुत अच्छे से दीपावली मनानी चाहिए मदद भी करनी चाहिए सबको मदद करनी चाहिए ठीक है सबको मदद करनी चाहिए तो चलेगा आज के लिए इतना ही है लेकिन कल से ध्यान रखेगा कल से ये क्लास हमारी सब्जेक्टिव तरीके से रहेगी यानी कि अगर आप लोग कल इकोनॉमिक्स के सवाल देखेंगे तो पूरा इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन दिखेगा आपको अगले दिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल दिखेगा और जब तक क्लास में पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी दूसरी क्लास नहीं रहेगी ठीक है ना सर माउंट एवरेस्ट वाला क्वेश्चन नेपाल तिब्बत या रॉन्ग हो गया है माउंट एवरेस्ट वाला क्वेश्चन गलत हो गया क्या हो गया क्या आंसर दिया बच्चा उसने माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत गलत हो गया ऐसा है क्या सर दिखा क्वेश्चन क्या था अच्छा दादा भाई नारोजी तो हमने आरसी दत्त दे दिया ओके 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 अच्छा जल्दी जल्दी आरसी दे दिया एंड रूल अच्छा ये, ये okay, 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 okay. हाँ ये वाला ना दादा भाई नारोजी अब मैं कह भी रहा था आपको कि भारत में राष्ट्रीय आय का तो ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार करा रखा है राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने करा दादा भाई नारोजी ने पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल चलो ठीक है ठीक है वो हमारी नजर वहां तक तो पहुंचने में दिक्कत आ गई ठीक है ना चलेगा ठीक है तो अभी किसी को कुछ पूछना है चलो बाकी चीजों में हम चर्चा करेंगे चर्चा करते रहेंगे आपके बाकी चीजों में आप तो आज चर्चा नहीं कर सकता अभी कल के लिए ध्यान रखेगा कल जो 9 बजे से आपकी क्लास होगी कल 9 बजे से जो क्लास होगी उसमें रहेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी इंडियन विद्यार्थियों और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे ठीक है ना इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के यानी कि आपके जर्नल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे ठीक है इकोनॉमिक समझ नहीं आती <laughs> चलिए कोई बात नहीं, को नहीं। देख, कल की जो क्लास रहेगी और इसमें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास है ना ये रिवीजन भी रहेगा प्रैक्टिस रहेगा आपका तो कल की क्लास होगी आपके ठीक 9:00 बजे और सुबह 5:00 बजे से लेकर 7:00 बजे तक तो रेगुलर विद्यार्थी हमारा क्या चल रहा है भंडारा चल रहा है ठीक है तो उस भंडारे में आप लोग भी अगर उपस्थित आंख खुल जाती है तो अच्छी बात है नहीं खुलती है तो फिर क्या करेंगे नेपाल तिब्बत से रहे आप लोग इकोनॉमिक्स में पूरे मार्क्स चले हाँ कल से रहेगा ना सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस रहेगा आपका आठ दस दिन हम लोग इसी पर प्रैक्टिस करते रहेंगे ठीक है तो चलेगा आज के, के क्लास को सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं मिलते हैं हम लोग और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो आ, हमारी तरफ से ये परिवार की तरफ से सभी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की विद्यार्थियों ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप लोग एनवायरमेंट को नुकसान कम पहुंचाओगे यानी कि जो एक तो साउंड पॉल्यूशन दूसरा एयर पॉल्यूशन तो इससे थोड़ा बच के रहना है कम से कम की कोशिश करनी है ठीक है कम से कम की कोशिश करनी है ठीक तो खुद भी कम ही करना और दूसरों को भी बोलना है कि नहीं तो एक तो, एक तो एक। आप लोग तो बड़े खतरनाक हो खुद भी करोगे और दूसरे को उकसाओगे भी कि तू तो कम ले आया थोड़ा और बढ़ा के लिया है ना तो इसलिए साउंड पॉल्यूशन भी होगा और एयर पॉल्यूशन भी होगा तो इससे बचने की कोशिश करना है ठीक है चलेगा तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं आप सभी लोगों को ढेर सारी खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप इसी तरह से हंसते रहेगा मुस्कुराते रहेगा फिर मिलते हैं कल सुबह पांच बजे टॉपर्स का अड्डा पर उसके बाद आपका नौ बजे इसी क्लास में के क्वेश्चनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद